कलाकार बेमिसाल का। और सबसे पहले ये गीत सुनते हैं, फिर बात करते हैं आज के बेमिसाल कलाकार की। Thank you.
मटोल मटोल सा, गोरा गोरा सा, भरा भरा सा सुंदर सा चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम सी आंखें, जिन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे तो बिखेरे ही, साथ ही अपनी प्यारी भोली सी सूरत और खूबसूरती से देखने वालों का मन मोह लिया। बात करेंगे आज एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर की। ट्यून इन है आप आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 पर। कलाकार बेमिसाल अंजलि है आपके साथ। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में शहर में आप साथ कोई नहीं, कोई नहीं। पर वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिसपे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़ी तुम झूठी आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, और जाने जा हुई हो कहाँ। हुई तुम्हारी चीज तो हुई नहीं, हुई नहीं। सारे शहर में आप सा हो रहे हैं तुमको मेरी वफा पे, जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। कितना भी तुम छुपाओ अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा नहीं, कोई नहीं, सारे शहर में आ।
जी हाँ, लीना चंद्रावरकर के लिए ये बात कही जा सकती थी कि उनकी जैसी खूबसूरती बहुत कम देखने को मिलती है। साल 1968 में आई फिल्म मन का मीत से बॉलीवुड में एक नई और बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री ने कदम रखा और देखते ही देखते देखने वालों के दिलों पर राज कर लिया। 70 के दौर में टॉप की एक्ट्रेस लिस्ट में वो शामिल हो गई। कर्नाटक की कोंकणी मराठी परिवार में जन्मी लीना चंद्रावरकर बचपन से ही ना हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी, बिंदास रही और लाइफ को अपने तरीके से जीती थी। और भी बहुत सारी बातें होंगी इनके बारे में, सुनते रहें आप आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1। जलाई तूने आग पे डाला पानी सजा।
कलाकार बेमिसाल आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 और बात हो रही है बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक्ट्रेस लीना चंद्रावरकर की। आज ही के दिन 1950 को जन्मी लीना चंद्रावरकर आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं और हम सब की तरफ से भी पूरे एफएम गोल्ड परिवार की तरफ से भी उनको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए बात करते हैं कि भाई उनका फिल्मों में आखिर आना हुआ कैसे। तो बात कुछ यूं है कि वो फिल्मों में आने से पहले ना एडवर्टाइजमेंट्स किया करती थी, यानी कि एड फिल्में किया करती थी, विज्ञापन फिल्में वो किया करती थी और फिल्मों में आने से पहले। बस एक दिन एक्टर जो सुनील दत्त साहब थे उनकी नजर पड़ी इस एड फिल्म की एक्ट्रेस पर, तो फिर क्या था, बहुत ही उन्हें अच्छी लगी, बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही प्यारी लगी और उन्होंने अपने फिल्म होम प्रोडक्शन जो उनकी फिल्म थी मन का मीत में उन्हें यानी कि लीना चंद्रावरकर को अपने भाई के अपोजिट साइन कर लिया। तो ये था छोटा सा किस्सा लेकिन इंटरेस्टिंग उनका फिल्मों में आने का। रोक लो अपनी मस्त अंगड़ाई, दोनों आलम ना टूट जाए कहीं, आसमां के हसीन हाथों से चांद सूरज न छूट जाए कहीं। दिल ने दिल से न जाने क्या कहा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, ओ तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। किन बहारों ने, किन बहारों ने दुल्हन बनाया तुझे और किरणों का जेवर पहनाया तुझे, सारी कलियों ने मिलकर सजाया तुझे, प्यार से हमने झूला झुलाया तुझे। आया मौसम जवां प्यार का,
तेरे जलवों से, तेरे जलवों से रोशन नजारे रहे, इन नजारों में तेरे इशारे रहे। नीले अंबर पे जब तक सितारे रहे, तुम हमारे रहो हम तुम्हारे रहे। तेरा रखवाला दिल है मेरा, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे, तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो, या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप आरोप। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो, तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से ना घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया।
हार सोना था संसार हमारा तूने आन बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। हम साथ रहेंगे करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे अपना है ये इरादा। और जीवन भर हम साथ रहेंगे करते हैं ये वादा, तुझ पर अपनी जान भी देंगे अपना है ये इरादा। तेरे भोले भाले मुखड़े पे हम तो मिट गए, मिट गए, मिट गए, मिट गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे चल गए, चल गए, चल गए, चल गए। ये देख के दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 और इस वक्त कलाकार बेमिसाल का ये सफर मैं और आप तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं बहुत ही हर दिल अजीज बहुत ही सुंदर सी लीना चंद्रावरकर की, जिनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, सराहा होगा, पसंद किया होगा और उनके इतनी हिट मूवीज के हिट सॉन्ग्स भी इस वक्त आप लगातार सुन रहे हैं। पर्सनल लाइफ की कुछ इनकी बातें करें, चलिए अब फिल्मी बातें हमने की, फिल्मी करियर की उनकी बातें की, और भी बातें होती रहेंगी लेकिन थोड़ा सा झांक कर देखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ तो क्या पता चलता है। पर्सनल लाइफ पर इनकी जब गौर किया गया तो इनकी जब इनका फिल्मी करियर था ना अच्छा खासा चल रहा था तभी इन्होंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले एक उद्योगपति सिद्धार्थ बंदोदकर से शादी कर ली थी लेकिन वो इस रिश्ते में ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाई क्योंकि सिद्धार्थ एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। महज 25 साल की उम्र में लीना विडो हो गई और इस वक्त वो बहुत टूट गई थी, कहते हैं कि डिप्रेशन में चली गई थी, किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी लेकिन ऐसे में उनके माता पिता ने एक बार फिर से उन्हें संभाला और वो लीना को लेकर अपने घर आ गए। कुछ वक्त बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई और दोबारा मुंबई की तरफ रुख किया और एक बार फिर से फिल्मों से जुड़ गई लीना चंद्रावरकर। दुनिया की आंधियों
बने दिल्ली पुलिस की आंख और कान और लगाएं आतंकवाद पर लगाम। दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक तरीकों से आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। उसे और अधिक सक्षम आप सब बना सकते हैं, जो है दिल्ली पुलिस के आंख और कान। बस आपको रखना होगा इन सब बातों का ख्याल। वाहन को बेचने से पहले खरीदार की जांच परख जरूर करें। होटल का कमरा बुक करने से पहले गेस्ट के पहचान संबंधी कागजों की प्रति जरूर लें। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरा या मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु के बारे में दिल्ली पुलिस को तुरंत 1-4-5-4-7 या 112 पर सूचना दें। जब साथ आए आप और हम, आतंकवाद होगा जड़ से खत्म। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, कलाकार बेमिसाल और बात कर रहे हैं अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर की। हम 1976 में किशोर कुमार के निर्देशन में उन्होंने फिल्म प्यार अजनबी है साइन की। यहीं से किशोरदा जो थे ना, उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और उन्होंने लीना को शादी के लिए प्रपोज किया। शुरुआत में लीना ने इस रिश्ते के लिए इंकार किया, क्योंकि उनके पिता भी इसके खिलाफ थे। वजह रही, किशोर कुमार पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे, उम्र में भी वो लीना से बड़े थे। लेकिन आखिरकार ये शादी हुई और लीना एक बार फिर से हंसी खुशी के माहौल में दिन बिताने लगी और लगातार साथ ही साथ फिल्में भी करती रही।
कलाकार बेमिसाल का ये सफर में और आप तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं लीना चंद्रावरकर की। लीना चंद्रावरकर ने एक से बढ़कर एक हिट मूवीज दी, उनकी खूबसूरती के भी सभी दीवाना रहे। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा पटरी पर नहीं रही, कम उम्र में ही दो बार शादी के बाद भी वो अकेले की अकेली ही रह गई। इससे उनकी फिल्मी करियर पर भी कुछ असर तो हुआ ही, उनकी एक्टिंग, उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती का जो उन्हें सिला और मुकाम मिलना चाहिए था ना, वो उन्हें नहीं मिल पाया जितने की वो हकदार थी। खैर, उनकी फिल्में आज भी हम देखना पसंद करते हैं और पर्दे पर उनकी अपेरेंस जोश और ताजगी का एहसास कराती है और सचमुच उनकी फिल्में देखकर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंजॉय करते हैं उनकी फिल्मों को देखकर। और उनकी फिल्म जो फैंस है ना, उन्हें हमेशा ही ऐसे ही चाहते रहेंगे, ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। मेरी बारी रे, काहे को भूले ग्रुप